हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उनको इनडाइजेसन जैसी समस्या रहती है मतलब को डाइजेशन ठीक से नहीं होता है पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं करती है तो ऐसी कंडीशन के लिए क्या करना है तो गाइज़ हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी ये समस्या है या जिनको इस तरह की समस्या फील हो रही है तो आज की ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चरक कंपनी के ऑटोजाइम सिरप के बारे में जो गाइज चरक कंपनी एक बहुत फेमस और काफ़ी अच्छी कंपनी है पुरानी कंपनी है जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है और इनका सिरप आता है ऑटोजाइम के नाम से सिरप की फॉर्म में मेडिसिन है लिक्विड मेडिसिन 200 सौ के पैक में आती है और ये डाइजेशन सिस्टम को नेचुरली इम्प्रूव करती है तो इसको समझ लेते हैं गाइस ये जो सिरप है इसका काम होता है कि अगर किसी को अपच है कि इसी को इंडाइजेशन हो रहा है मतलब खाना खाते हैं और ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है नहीं पच पाता है खाने के तुरंत बाद उनको उल्टी मितली जैसी फीलिंग आती है तुरंत टॉयलेट भागते हैं पेट दर्द करता है उनको तुरंत से लेटरिन आती है तो ऐसी समस्या के लिए काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है मतलब कि पाचन क्रिया को मजबूत करता है बनाता और है अगर इज़ नेक्स्ट बेनिफिट देखें तो ये स्टमक को रिलीव करता है कि अगर किसी को स्टमक जो है डिसकम्फर्ट होता है कि मान लीजिए खाना खाया खाने के बाद में पेट जो है भारी लगता है उनको पेट में गैस लगती है गैस होने लगती है एसिडिटी वगैरह होती है तो इस समस्या को ठीक करता है इसके अलावा ये बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है कि खाना खाने के बाद जब खाना बड़ी आंत, छोटी आंत से मूव करता है तो इसके मूवमेंट को बढ़ाता है जिससे क्या है कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट होकर आगे की तरफ पुश होता है और पेशेंट को हार्ट वन नोज़िया वॉमिटिंग जैसी फीलिंग नहीं आती है पेशेंट जो है तुरंत से टॉयलेट नहीं जाते हैं तो ये इसका काम रहता है दोस्तों साथ ही ये गैस्ट्रेटाइटिस यानी कि गैस्ट्रिक की समस्या को ठीक करती है मेडिसिन की मान लीजिए अगर किसी ने खाना खाया खाना खाने के बाद उनको एक साथ पेट में गैस बनती है तो ऐसे गैस की समस्या को ठीक करता है तो ये इस मेडिसिन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो कि डाइजेशन, एसिडिटी और गैस से संबंधित होते हैं तो यदि किसी पेशेंट को एसिडिटी हो रही है खाना खाते ही उनको गैस बनती है गैस की समस्या है डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है मतलब पाचन क्रिया ठीक नहीं है तो ऐसी समस्याओं को ठीक करेगी दोस्तों ऑटोजाइम सिरप के नाम से आपको मार्केट में मिलेगी सबसे अच्छी बात एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है मतलब आयुर्वेदिक सिरप है तो साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होते हैं नो साइड इफ़ेक्ट तो इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं आते हैं और आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं जो कि आपको ये सौ रुपये से लेकर एक सौ दस रुपये तक मिल जाती है तो आप इसको जहाँ सस्ती मिलती है वहाँ से ले सकते हैं दोस्तों इसकी डोज को अगर हम जाने तो इसकी जो डोज है वो बच्चों की अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई छः साल से बारह साल का बच्चा है तो इनको पाँच पाँच एम सुबह शाम खाने के तुरंत बाद देनी होती है खाने के पाँच दस मिनट के अंदर इसको लेना है अगर हम एडल्ट के केस में बात करें गाइज तो एडल्ट के लिए ये मेडिसिन दस से पंद्रह एम सुबह शाम यानी दो टाइम खाने के तुरंत बाद लेनी होती है तो गाइस खाने के तुरंत बाद इसको इसलिए लिया जाता है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में क्या होता है कि खाना जब आपके स्टमक में जाता है तो यहाँ से डाइजेशन क्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है तो जब आप इसको लेते हैं मेडिसिन को तो ये आपके डाइजेशन में हेल्प करती है तो खाने के तुरंत बाद जब आप इसको लेंगे तो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगी खाने को जो है इसके प्रोसेस को कम्प्लीट कराएगी और जो इसका वर्क होता है उसको पूरा करेगी तो इसको खाने के तुरंत बाद लिया जाता है दोस्तों बात आएगी कि इसकी ड्यूरेशन कितनी रह सकती है इसको कब तक लेना होता है तो ड्यूरेशन के केस में आप पाँच दिन दस दिन पंद्रह दिन तक ले सकते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ ना करें तो दस से पंद्रह दिन के अंदर आपकी जो प्रॉब्लम है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी आपके काम आएगी आपको पसंद आएगी और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ नई नई वीडियो में तो आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों